اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين सुनती आंखों देखते कानों का मेरा सलाम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इट्स बीन डेज, आई एम बैक फ्रॉम उमरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आपको ट्रेंड से आइडिया हो रहा होगा, तो वहाँ भी और यहाँ भी जितनी भी नमाजें जितनी भी दुआएं सब में हमने इन्हीं बहन भाइयों को शामिल किया हुआ है, क्योंकि बहुत ही जुल्म सितम की सूरत हाल है। और बस यही है कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनके लिए फ़ंड्स इकट्ठे कर सकते हैं। बट ये है कि जब भी सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म न्यूज़ वगैरह खोलो तो आपको जो नज़र आ रही है वो एक ही चीज़ है, जैसे पोस्ट वहाँ की शेयर हो रही है वहाँ के हालात की और डिस्ट्रक्शन दे के वहाँ की बस। और जब आप अपने आप को उस एम्पथी के एलिमेंट में लाते हो यार कि अगर अल्लाह माफ़ करे हम उनकी जगह होते यार तो कितना ही बुरा होता, हमारे पास शेल्टर ना होता, फूड ना होता, इंटरनेट एक्सेस ना होता, कुछ भी ना होता, शायद ज़िंदगी भी ना होती। कोई लफ्ज़ का रद्दोबदल ना हो तो मैंने सोचा मैं देख के पढ़ लूँ। हज़रत अबू सैयद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जो शख्स तुम में से किसी बुराई को होते हुए देखे तो उसे अपने हाथ से रोक दे, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ज़बान से रोक दे, अगर इसकी भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा कह दे, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है मुस्लिम। तो लीस्ट वी कैन डू इसके उसको हम ज़ुबान से बुरा कह दें, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। वरना अव्वल तो ये है कि सब मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ जो भी हो सकता है करें, अपनी फोर्सेज भेजें, एवरीथिंग, या जो एड है एटलीस्ट जो पूरी दुनिया से एड्स जा रही हैं वो वहाँ तक पहुँच जाए। कभी आप लोगों को टाइम मिले तो प्लीज़ गूगल कीजिएगा खुरासान ब्लैक फ्लैग राइज, तो आप लोगों को और भी काफ़ी मालूम मिलेंगी। बट अभी आई एम हेयर टू कलेक्ट डोनेशंस। कल इरफान परसों आई थिंक इरफान भाई की वीडियो आई थी, उसमें ही वॉज कलेक्टिंग डोनेशंस बाय सेलिंग हिज फोटोज़ लाइक आई थिंक एट अ वेरी लो प्राइस। तो आई थॉट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग माई पार्ट कि मैंने भी उस बंडल में अपनी फ़ोटोज़ ऐड करवा दी हैं। तो अगर आप वो बंडल ख़रीदेंगे तो तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर मैंने उस बंडल में ऐड की हैं। यू आर फ्री टू यूज़ एनी वेयर एक्सेप्ट फॉर सेलिंग और फॉर कमर्शियल पर्पसेस। प्लीज़ इस चीज़ को एक्सप्लॉइट ना कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए, आप इसको किसी को गिफ्ट करें, वॉल पेपर्स बनाएं, जो मर्जी करें, बट प्लीज़ इसको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा। और वो ख़रीदें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि हम किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ में आप डोनेट करेंगे पैसे और हम उसको वहाँ पर इंशाल्लाह आगे तक पहुँचाएँगे। तो आई थिंक दैट्स अ पार्ट आई कुड डू। ख्याल रखें आप, दुआ में रखिएगा, मुझे भी। मिलते हैं इंशाल्लाह।